हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थोड़ा सारे का स्वागत है। थैंक यू इन्ने ज़्यादा सबसक्राइबरस लई। तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़े लिए कुछ नव नव लैके आँदा रहा। तो मैं यही चंगा लगता सारे तुम कहने कि इंग्लिश के दसते हो तुम कि पंजाबी गल् दस दें वो चंगी लगदियाँ ने तो समझ जल्दी आदि ने। तो क्योंकि पंजाबी एक कि अपनी है ना जो आप कह दें मदर टंग आ तो जल्दी आप समझ आता। तो नेटिव लैंग्वेज अपने लिए जो आप सुनते हैं आस पास उन्होंने आप अखर दस रहे थानू तो होपफुली तुम जी वकैबलरी वीडियोज़ है या अपने होर कंटेंट जोड़ा अपलोड किया हुआ तुम चंगा लग रहा होगा। आप अज नवें जो लैके आए थोड़े लिए वो वकैबलरी वर्ड्स ही ने। लास्ट आप वीडियो जी की पार्ट वन सीगा वो 10 वर्ड्स किए थे जो कि रीडिंग या राइटिंग दे रीडिंग चाहे अपनी PT की है IELTS की राइटिंग है IELTS की की रीडिंग है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो तुसी अगर कोई भी बच्चा अगर IELTS कर रहा चाहे PT कर रहा चाहे वह बेसिक इंग्लिश कर रहा तो छड़ो ना, स्टार्ट करो लिखना, तुहानू की वधिया लगेगा। आप ज़्यादा वर्ड्स नहीं करते, थोड़े जे करांगे। उन्होंने आप फस्ट वर्ड जो करन जा रहे हैं वो लिखो। सब तो पहला कॉपीज कट लो। फस्ट वर्ड है एडवरटीजमेंट। ये तो सुनया होना सारिया ने, मैं नीचे लिख भी दूंगा, टेंशन नहीं कोई। एडवरटीजमेंट, एडवरटीजमेंट तो आप देखते हैं ना मशहूरियाँ जो अजक देखो। अगर तुम की किसी भी शहर से रह रहे हो जिते कि एजुकेशन हब है या जिते मार्केट बनी है बहुत वड्डी है ना, तो वो रोड के उत्ते कि ज़्यादातर कि एडवरटीजमेंट किस तरीके होंगे, चाहे कि पैम्पलेट्स हो गए, चाहे वह कि पोस्टर्स लगे होंगे सामने, फ्लैक्सिस लगिया हो, चाहे कोई डिजिटली कोई है ना अपन की एडवरटीजमेंट दिखा रहा, जैसे कोई स्क्रीन लगी होंगी, चाहे अपने मोबाइल फोन से ऐड आदि है। तो इस वर्ड्स कि आ गए, एडवरटीजमेंट एक सामने आ गया, तो एक एडवर्ट ADVERTS एडवर्ट वर्ड। तो ये एडवर्ट वर्ड का मीनिंग भी की है, ऐड ही होंगी है। ऐड आप जमें ज्यादा नहीं कहने यार ऐड आ गई फोन पर है ना, तो ऐड जी हैगी स्पैलिंग की है ADS एड्स जिन्हों आप कहने। आप बोलते गलत पंजाबी थोड़ा ट्राई करते जो तो वो गलत प्रोनाउंस हो जाता, कोई इशू नहीं। चलो एडवरटीजमेंट, एडवर्ट्स, एड्स ये सारे का मीनिंग की मशहूरियाँ। तो किसी भी माध्यम राही किसी भी मीडियम राही आ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट राही भी, चाहे कि न्यूज़पेपर राही अपन ऐड आ पैम्पलेट्स आते हैं जिड़े, तो वो सारिया मशहूरियाँ हो गई। ठीक है, एक वर्ड आता है ज़्यादा रीडिंग के डलर, DUL जो डल वर्ड भी कहने आप यार ज़्यादा सुनया हो तुम्हें, छोटे होंगे जो आप टीचर्स कहें कि किड्डा ये की है बंदा डल है ना। सॉरी अगर किसी ने चंगा ना लगे कहें हो, पर हाँ पापा सुनते रहे नॉर्मल अपने आसे पास वर्ड्स, तो उस की है डल वर्ड जिन्हों आप इंग्लिश एक होर चेंज कर लिया डलर, DULLER डलर। यदा मीनिंग की है भद्दा, जोड़ा कि ज़्यादा फेडड जहाँ नहीं हो जाता, फेड जहा कलर हो गया या चंगा जहाँ नहीं लग रहा, जिमें कि आप कह दी गर्मिया के जे दरख्त ना हो है ना आसे पास, तो वो एरिया ए लगता होंगे कि यार बहुत ही भद्दा जहा है, सोहना नहीं लग रहा, ग्रीनरी ना थोड़ा जहा है ना थोड़ा कलरफुल जहा लगता, वधिया लगता, ऑक्सीजन वधिया मिल जाती है। अं अगर देखा जाए जिते अपने मशहूरियाँ ज़्यादा लगिया होंगे ने, अगर उत्थे सारिया मशहूरियाँ कट दित्तियां जान, एडवरटीजमेंट्स कट दित्ती जान, फ्लैक्स चक लिया, कोई पोस्टर नहीं लग्या, कोई फ्लैक्स नहीं लगी, कुछ नहीं लग्या, तो सारे एरिया की लगेगा अपन डलर लगेगा, डलर DULLER। नैक्सट वर्ड अपने लिए हैगा जी रिफ्लैक्ट, रिफ्लैक्ट REFLECTS रिफ्लैक्ट वर्ड का मीनिंग की है झलक। आप कहने यार यदी झलक पै रही है वो वर्गा, ये रिफ्लैक्ट करता है या रिफ्लैक्ट तो नॉर्मल आप मिरर के भी कह दें हाँ रिफ्लैक्शन आ रही है मेरी है ना, रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्ट वर्ड सेम्स काइंड ऑफ थिंग्स ने। तो यह वर्ड्स की हो गए झलक कि हाँ यार रिफ्लैक्ट पै रही है, रिफ्लैक्शन पै रही है मेरे से, तो वो वर्ड्स ने रिफ्लैक्ट वर्ड। तो मैं होपफुली कि तुम समझा सकूँगा जिन्नी कि मैंने आते हैं वर्ड्स, जिनी कि इंग्लिश आँदी मैं ट्राई करूँ तुम्हें दस सक, ज़्यादा मैंने भी नहीं आती जिनी कि आँदी आप ट्राई करी जाने। चलो तो नैक्सट वर्ड हैगा इनफानाइट, ये मैथ के आता हूँ जी, एवं कहता मैं मैथ पढ़िया तो थोड़ा मोटा पढ़िया जी, तो वेद आता हूँ तो मैं थोड़ा ये बारे पता सगा। इनफानाइट का मीनिंग सानू वैसे मैथ की होंगे इस तरीके का साइन आ इनफानाइट, तो वह दस जाते इनफिनिटी जिन्होंने कहें से असं, तो मीनिंग होंगे जी चीज़ खत्म ना हो सके, लिमिटलैस एंडलैस इन स्पेस या कित भी एक्सटेंट या साइज इंपॉसीबल टू मैजर और कैलकुलेट, जो भी चीज़ अपने की है आप माप नहीं सकते वो की होजूगी इनफानाइट होजूगी। ठीक है जी, तो अपने को नैक्सट वर्ड है जो लिखो जी, नैक्सट वर्ड लिखिए तो कन्विंस लिख लो, CONVINCE ये तो सुनया हो बहुत जाने ने। कन्विंस वर्ड क्या आप कहने मना, जिमें कोई यार उन्होंने कन्विंस कर लो यार मेरे ना गल कर लूगा, कन्विंस कर लो उन्होंने की है आप लै चलीए उन्होंने बाहर, कन्विंस कर लो आप ट्रिप पर चलते हैं है ना, तो सारा कुछ जे मतलब कि मना वास्ते आप कहने है ना। तो यू जे आप इंग्लिश कहा जाए तो यदि की मेन मीनिंग बनता देखिए, कॉज टू बिलीव फर्मली इन द ट्रुथ ऑफ समथिंग।
ठीक है, सेटिस्फाई, परसुएड, प्रूव टू, अश्योर, री अश्योर, या परस्यूड टू डू समथिंग, किसी नूं मनाउणा, नॉर्मल गैट टाक अराउंड, विन ओवर, स्वे, ब्रिंग अराउंड, इंड्यूस, तो यह मीनिंग हो गया कन्वेंस दा नॉर्मल मनाउणा। नैक्सट वर्ड जो है जो अपने को एक ना दो वर्ड्स ने मैं शायद छड गया हूँ, मैं पहले ही दस दिना वर्ड है एक तो डिसअपीयर एंड एक आ गया अपीयर, दो वर्ड सेम ही ने, बस थोड़ा डिफरेंस यही है कि एक दे अपीयर है एक है डिसअपीयर। डिसअपीयर तो जी चीज़ की दिख नहीं रही आपां, ठीक है, अपीयर जी कि आपां दिख रही है जो अपनी निगाह दे विच सामने वो अपीयर है, डिसअपीयर जो अपने को नहीं हैगी है ना, सामने नहीं हैगी यार, जिवें कि मैं इत्थे कुछ रख्या बाद डिसअपीयर हो गया, यार किधर गया इत्थे रख्या इह समान, जिहड़ा दिख नहीं रहा वो चीज़ होगी डिसअपीयर, जो दिख रही है सामने मेरे को लैपटॉप पिया, मेरे को स्पैक्स ने, मेरे को पावर बैंक पिया, चार्जर है, फोन है सामने, तुसीं हो सारे, अगर वो सामने दिख रहे ने तो वो की होगा अपीयर होगा, ठीक है। दो वर्ड्स ये भी नोट कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा विच आउंदे रहे रीडिंग्स दे विच। नेक्स्ट वर्ड किहड़ा करिए, एक लिख लो सच एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो बहुत ज़्यादा लोग इनू की समझते, पता नहीं की है ये एक्सटेंट का मीनिंग, जो मैं समझाना चाहूँगा, मैं कहूँगा एक्सटेंट आप कहते काफ़ी हद तक है ना, द एरिया कवर्ड बाय समथिंग, किसी चीज़ के नाल काफ़ी हद तक लंबे समय लिए, या इनू क टू वन एक्सटेंट किसी हद तक इस चीज़ को याद रखा जाना चाहिए। एक आयल्स करते जो उन्होंने पता होगा रीडिंग दे सॉरी राइटिंग दे वर्ड्स ज़्यादातर यूज किया जाता भी इनू तुसी डिस्क्राइब कर दे किसी हद तक इनू मानते हैं ये चीज़ हो रही है ना, तो इस मीनिंग हो गया किसी हद तक या हद तक। द एरिया कवर्ड बाय समथिंग सैकेंड वर्ड है मीनिंग है द पर्टिकुलर डिग्री टू विच समथिंग इज़ और इज़ ब्ली टू बी द केस, चलो अब नॉर्मली समझते हैं, एरिया, साइज, एक्सपेंस, लेंथ, स्ट्रेच, रेंज, स्कोप, डिग्री, स्केल, लेवल, मैग्नीट्यूड, स्कोप, अमाउंट, किसी भी हद तक या हद तक ली हद समझो टू वन एक्सटेंट हो गया किसी हद तक। चलो ये वर्ड जिहड़े सीगे ये इंपॉर्टेंट बहुत ने, होपफुली तुहानू कुछ नवं सीखने को मिलिया होगा, तुसीं की करो इन्हां नूं नोट करो जिन्ना हो सकता इन्हां नूं की है यूज़ करो, अगर एल्स कर रहे हो तो राइटिंग में यूज़ करो है ना, एक्सटेंट वर्ड हो गया जिमें कन्वेंस कर लिया करो, डलर वर्ड के अजकल है ना जिमें चीज़ अपने को सामने पहला सी हूँ गैब होगी तो दुनिया के लिए डलर लग रही है, जिमें पहला ट्रीज बहुत ज़्यादा होंगे सके तो बहुत कलरफुल सी फ्रूटफुल सी चंगा लगता सी, अगर दरख्त ट्रीज अपने को घटते जा रहे हैं तो वो कि डलर प्लेस बनते जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये होर आप वर्ड एडवरटीजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं जी है ना, एक आप लास्ट जिहड़े किए पिछली वीडियो के टीन टीनएजर एक्सपलोरिंग स्लेव स्पेयर कंपीटेंट कन्वाइंग सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे होते यूज़ करते रहो तुम, ठीक है। आप इन्ने एक वर्ड्स ही किए जे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, इन्हें नोट करो फिर आप होर करांगे, अगर वीडियोज़ चंगी लगियां तो कमेंट करके दस दे रहो, मैं होर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है जी। तो अगर कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सबसक्राइब करोगे, शेयर करोगे है ना, तो ही मैं पता लगेगा कि वीडियो चंगी लग रही है इन्हों है ना, ही मैं अपलोड करा होर, नहीं तो जे कमेंट नहीं करोगे मैं पता किमें लगेगा, तो अभी मैं कमेंट करके जरूर दसो, अगर अक्षर किसी का मीनिंग नहीं पता लग रहा तो भी कमेंट कर दो, मैं मीनिंग पंजाबी दस दिया करूँगा, चाहे वह की अगली वीडियो मैं उन्होंने लैके आवं वर्ड न, ठीक है, या फिर तुम की करा करो मैनू तुम कमेंट तो कर ही सकते हो, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम से कमेंट कर दिया करो मैं दस दया करूँगा, तो एक ट्राई करो कि जोड़े अक्षर तुम लगता वधिया सी अज तुम देखे या सुने वो भी नीचे कमेंट से दसो ता जो मैंने पता लगे हमें इन्ना तुसी पढ़ते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के, अगर चंगी लग्या तो जरूर मैनू कमेंट करके दस्यो, मिलते हैं फिर आप, अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो तुहानू सारे नू पता बठिंडा शहर के ज्वाइन कर सकते हो, अगर ऑनलाइन करनी है तो तुम जो मर्जी मैनू की है वट्सएप पर मैसेज करो, मैं तुम्हें दस दूंगा नवा बैच जो शुरू हो रहा तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो हाँ कुछ क चीज़ा मैं भी कहता पहले दस रहा, कई चीज़ा कई बार कॉस्टली होंदिया ने, ठीक है थोड़ा जहा प्राइस हाइक हों ही हों कि मेरे को कंटेंट काफ़ी वधिया है और रिपीट हो जाता है, तो तुम उ ज्वाइन करो जिन्हें लगता है कि हाँ असी ठीक है कर सकेंगे, तो फिर मैं भी ऐ लगता कि यार जिहड़े करना चाहते थे उन्होंने लग रहा फीस ज़्यादा, पर मैं मेरे को कंटेंट ही बहुत वधिया जी, मैं की कर सकता, तो मैं होंगे मैं इन्ना वधिया कंटेंट आ तो मैं उन्होंने देव मैनू भी कोई फायदा हो ना, फायदा जिमें कहता चलो मैनू मैं भी कुछ बिल पे करने होंगे ने, मैं भी कितने जाना आने वास्ते मैं चलो फैमिली वास्ते मैं भी कोई ना कोई चीज़ है ना लोड़ा पूरिया करने वास्ते चीज़ चाहिए है, तो थोड़ा समझो ट्राई करो, अगर चंगा लगता है तो वीडियोज़ देखी चलो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो क्लासेस ज्वाइन करो, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के, मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के, उदों तक की करो इंजॉय करो जिन्नी वीडियोज़ है, बाय बाय।